कितना वजन है कांवड़ का? इसका मुझे है जी 71 इसमें 71 इसमें 71 लीटर। हाँ जी। एक आदमी उठाएगा? हाँ जी उठा लेगा। हाँ जी। मेरठ का तो बोले डीजे भी बहुत सुना तगड़ा है। हाँ जी डीजे तगड़ा है जी। क्या नाम है उसका? कसाना मोनू। मोनू? हाँ जी वो कसाना मकान नोएडा नोएडा गाजियाबाद का। इस तरीके से रस्सियाँ काट काट कर जो है बोले अपने कल्चरों को बांधते हैं, और यहाँ से अगर इधर दिखाऊँ गंगा जल आप देख सकते हैं, सामने से गंगा जल भरकर इन कल्चरों में लाते हैं और उसको इसके ऊपर रख के सीरीज वाइज इसको तैयार करके पूरी एक कांवड़ तैयार होती है। बोले ITI कर रहा हूँ फिलहाल, तो ITI। हाँ जी। तो भाई ITI वाले भी आए हैं कांवड़ उठाने। बोले क्या नाम है? पुष्पेंद्र त्यागी। क्या पढ़ते हो स्कूल में? हाँ जी। कौन से क्लास में हो? 9th में। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा होगी कांवड़ियों पर, कैसे देखते हैं इसको? वो तो स्वागत में नजर नहीं आया हमको। पिछले साल भी हुई थी? हाँ पिछले साल हुई थी, हम निकल गए थे पहले। अच्छा। तो जिस तरीके से लगातार आपको हम कांवड़ की खबरें दिखा रहे हैं, हर की पौड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं और कुछ और कांवड़िए जो हैं हरी टीवी को मिल गए हैं, देख सकते हैं। तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इधर कांवड़ तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये नीचे आप स्टैंड देख सकते हैं लोहे का, इसको इसके ऊपर जो है कलसा रखा जाएगा। ये कलसा आप देख सकते हैं रखा हुआ है और उसके ऊपर जो है आप देख सकते हैं भगवा कपड़ा बांधा गया, महाकाल लिखा हुआ है उस पर, और उसी के साथ साथ रस्सियाँ आप देख सकते हैं। ये तीन जो डंडे हैं आपके इंडियन आर्मी ऑफिसर बनने के सपने की तरफ पहला कदम दून डिफेंस ड्रीमर प्राइवेट लिमिटेड। अपने सपनों को उड़ान दें, आज ही संपर्क करें 8650779069 पर। लकड़ी के वो यहाँ पर तैयार किए गए हैं, उसको बांध कर जो है ताकि कंधे पर जो कोई प्रभाव ना पड़े उसके लिए कंबल लगाया गया है। ये बोलो से बात कर लेते हैं। बोले मैं त्यागी। मैंने तो पूछा नहीं नाम, अभी पूरी मौज आ रही। हाँ जी बढ़िया। कितने आदमी है? हमें 5। अब बताओ क्या नाम है? मयंक त्यागी। कहाँ से आए हैं? वाखेड़ा किला परिषदगढ़ मेरठ। मेरठ से? हाँ जी। तो भाई मेरठ वाले हरिद्वार पहुँच गए, धीरे धीरे दिल्ली वाले के भी हमने आपको दिखाया, हरियाणा वाले भी थे। आइए मेरठ वालों से बात कर लेते हैं। मेरठ का तो बोले डीजे भी बहुत सुना तगड़ा है। हाँ जी डीजे तगड़ा है जी। क्या नाम है उसका? कसाना मोनू। मोनू? हाँ जी वो कसाना मकान नोएडा नोएडा गाजियाबाद का। हाँ जी गाना। तो दोनों की मैंने सुना बड़ा कंपटीशन रहता है। भाई कंपटीशन रहता है उनका, पिछले साल कंपटीशन रहता है। अच्छा। हाँ जी। तो बोले कैसा लगा क्या हरिद्वार? बढ़िया लगा। अच्छा। तो देख सकते हैं कि इस तरीके से रस्सियाँ काट काट कर जो है बोले अपने कल्चरों को बांधते हैं, और यहाँ से अगर इधर दिखाऊँ गंगा जल आप देख सकते हैं, सामने से गंगा जल भरकर इन कल्चरों में लाते हैं और उसको इसके ऊपर रख के सीरीज वाइज इसको तैयार करके पूरी एक कांवड़ तैयार होती है। बोले कितना वजन है कांवड़ का? इसका मुझे है जी 71 इसमें 71 इसमें 71 लीटर। हाँ जी। एक आदमी उठाएगा? हाँ जी उठा लेगा। हाँ जी मान गए गुरु। हाँ जी। तो पहली बार उठा रहे हैं? इससे पहले भी ये है जी मेरी 30 साल कलश। अच्छा। हाँ जी। थोड़ा इधर ही की तरफ आगे बात कर लें। हाँ जी थोड़ा भाई साहब इसको थोड़ा उठा के उधर रख लेंगे, हम जरा कांवड़ के पास ही खड़े होकर बात कर लें। 3rd साल है आपका? हाँ जी। तो कितनी चुनौतियाँ कितनी कठिनाइयाँ आती हैं? चुनौती तो ना कोई दिक्कत वाली ऐसी कोई बात ना आती। अच्छा। हाँ जी। तो कितने आप सबसे बड़े हैं इनमें? हाँ जी सबसे बड़ा हूँ। हाँ भाई बोलो जरा नाम बता दो, क्या क्या नाम है वो लोग का? बोले क्या नाम है? मुकुल त्यागी। क्या उम्र है? 18 साल है। और करते क्या? बोले ITI कर रहा हूँ फिलहाल, तो ITI। हाँ जी। तो भाई ITI वाले भी आए हैं कांवड़ उठाने। बोले क्या नाम है? पुष्पेंद्र त्यागी। क्या पढ़ते हो स्कूल में? हाँ जी। कौन से क्लास में हो? 9th में। और साथ वाले बोले इनका? हर्षित त्यागी। सारे मेरठ से हो? हाँ जी। क्या करते हो? 12th क्लास। 12th क्लास। चलो बढ़िया है। भाई साहब आपका क्या नाम है? रोहन। रोहन? तो रोहन नाम है, देख सकते हैं यहाँ पर भोले हमारे साथ जुड़े हुए हैं और 71 लीटर कांवड़ लेकर यहाँ से चलेंगे। और कितने दिन में कुछ पता नहीं? 20 दिन। 20 दिन। 15 जुलाई को जो जल चढ़ेगा, जल अभिषेक करना है जी। और जी 26 जुलाई पूरा महादेव? हाँ जी। नहीं अपने गांव में पूरा पे। अच्छा मंदिर पे। अच्छा। हाँ जी। तो चले फिर मिले। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे आप संदेश कांवड़ियों को? कांवड़ियों को संदेश तो क्या, जैसे गंगा की स्वच्छता की बात चलती है और आजकल तो एक नशा मुक्त अभियान भी उत्तराखंड में चल रहा है, जिस तरीके से युवा पीढ़ी जो है, क्या संदेश कुछ देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? नशा तो है जी, नशा करते हैं कांवड़िए तो बहुत बेकार लगते हैं। हमारे पास पिछले साल जो है नशे वाले आगे थे कलश वाले, उसकी वजह से हमने जल उठा के अपना अलग रख लिया था। कैसे लोग गंगा जी में कुछ शराब पीते हुए नजर आते हैं, कुछ पर्यटक भी और कुछ जूते चप्पल भी ले जाते हैं, वो कहते हैं कि तो इसी का जल ले जाते हैं फिर इसी के साथ ऐसी चीज़ें आती हैं, ऐसे वो लोगों को संदेश क्या देना चाहेंगे स्वच्छ बनाए रखें? खुद बना के तो हम तो उनको समझाने का वो करते हैं अपना प्रयोग, वो कोई नहीं समझ पाता जो है।
ठीक, तो आज देखा खास खबर के लिए हम हर की पौड़ी से मौजूद थे। ये 71 लीटर जल लेकर यहाँ से हरिद्वार से चलेंगे और बताया जा रहा है कि 15 जुलाई को जिस दिन जलाभिषेक होगा वो अपने गांव में जाकर जल चढ़ाएंगे। लगातार हरी टीवी जो है आपको भी कांवड़ की एक्सक्लूसिव खबरें दिखाता रहेगा और जिस तरीके से हरिद्वार उत्तराखंड के मुद्दे हम उठा रहे हैं उसी के साथ साथ कांवड़ भी एक महत्वपूर्ण एक आयोजन है, भव्य दिव्य आयोजन होगा, मुख्यमंत्री ने खुद कहा है। और जिस तरीके से करोड़ों कांवड़ी हरिद्वार पहुँचने वाले हैं वो अपने आप में एक देखने वाली बात होगी। हेलीकॉप्टर से पुष्प की वर्षा भी एक आया है कि हेलीकॉप्टर से दोबारा इस साल भी पुष्पों की वर्षा होगी। जान लेते हैं, बोले आज मुख्यमंत्री ने कहा है कि हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा होगी कांवड़ियों पर, कैसे देखते हैं इसको? वो तो स्वागत में नज़र नहीं आया हमको, पिछले साल भी हुई थी। हाँ पिछले साल हुई थी, हम निकल गए थे पहले। अच्छा, बाद में देखा था हमने, इस बार भी होगी? हाँ होगी वो, लेकिन फिर नहीं देख पाओगे आप? देख पाए नहीं, हम तो निकल जाएंगे। चलो टीवी में देखना, टीवी में देखते हैं, हमारे चैनल पे देख लेना। हाँ चैनल पे देखते हैं हम तो। चलो भाई हमारे चैनल पे देख लेंगे, फिर मिलते हैं किसी अगले मुद्दे के साथ। अब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।